Everybody sing that shit. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पटेल और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉइड का सबसे बेस्ट म्यूजिक प्लेयर। हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट म्यूजिक प्लेयर जहां से आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस म्यूजिक प्लेयर से आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन म्यूजिक सुन सकते हैं, आपके अंदर के जो म्यूजिक है वो भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो दोस्तों, समय नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एंड्रॉइड का सबसे बेस्ट म्यूजिक प्लेयर है जिसको अवार्ड भी मिला है इस म्यूजिक प्लेयर को। तो हम लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन नाम है म्यूजिकाना। हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है म्यूजिकाना। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरी भी दी गई है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी है म्यूज़िक की, आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़िक। दूसरी कैटेगरी है आपको ऑनलाइन म्यूज़िक। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ऑनलाइन म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। कोई म्यूज़िक आपके अंदर नहीं है, आपने डाउनलोड नहीं किया, तो आप उसको डायरेक्टली ऑनलाइन सुन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है एल्बम का। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आपके फ़ोन के अंदर एल्बम है उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, और यहाँ से आप आर्टिस्ट वाइज भी देख सकते हैं। फोल्डर वाइज देखना चाहते हैं तो वो फोल्डर वाइज भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई सॉन्ग्स आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, उसकी आवाज़ सुना के दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कस्टमाइज है दोस्तों। उसकी थीम से लेकर आप सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी सॉन्ग्स को प्ले करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्टली उसको आगे भी भगा सकते हो, पीछे भगा सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली कस्टमाइज कर सकते हो। तो थ्री डॉट बने हैं वहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ से आप लिरिक्स भी उसके सुन सकते हो। यहाँ से लिरिक्स भी आ जाएंगे उसके बैक जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा शेयर का ऑप्शन और इक्वलाइजर का ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे इक्वलाइजर में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट, नॉर्मल, क्लासिक, डांस, फ्लैट, फॉल्क, हैवी मेटल, यानी सब तरह की कैटेगरी दी गई, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसको डायरेक्टली मैन्युअली। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको इक्विलाइजर सेट करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ से इक्विलाइजर सेट कर सकते हैं। एम्पलीफायर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बास ट्रबल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे विजुलाइजर भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हॉल में रखना है, मीडियम, लार्ज रूम, वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, और उसको यहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हो। बैक जाएंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गो टू एल्बम में जाना है डायरेक्टली, तो यहाँ से डायरेक्टली गो टू एल्बम में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन का ऑप्शन आ चुका है। जैसे मुझे यहाँ पे कोई म्यूज़िक सर्च करना है ऑनलाइन, जैसे मुझे यहाँ पे धड़क मूवी का सॉन्ग सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल धड़क लिखूंगा और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करूँगा। यानी धड़क से रिलेटेड जो भी सॉन्ग्स होगा, जिया धड़क धड़क भी धड़क का सॉन्ग्स यहाँ से रिलेटेड होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जिया धड़क धड़क हमें सुनना है, तो उसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से प्ले बटन पर क्लिक करना है, स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उसकी आवाज़ कम कर रही हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट में गिना जाता है दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको सुना के नहीं दिखा सकता। बैक जाऊँगा और यहाँ से आप डायरेक्टली उसको ऑनलाइन डायरेक्टली सुन सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप जब भी चाहे जो सॉन्ग आपको चाहिए वो यहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन सुन सकते हैं। तो सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर वाइज आपको यहाँ पे जो भी सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इक्वलाइजर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऑडियो सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी कॉल आने पे भी आप यहाँ से उसको पॉज कर सकते हैं। बैक जाएंगे, पर्सनलाइज इक्विलाइजर सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सेटिंग्स आप देख लीजिए कि क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग्स है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े काम का एप्लीकेशन है और आपके लिए डेली यूज़ में आएगा, और अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों। वन वीक से यूज़ कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को, उसके बाद मैं इस एप्लीकेशन का रिव्यू किया है। तो दोस्तों, आपको भी पसंद आएगी, मुझे काफ़ी पसंद है ये एप्लीकेशन। तो दोस्तों, एक छोटी सी एप्लीकेशन थी जो आपको मैंने बतानी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.